हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए, बहुत बड़ी है। रेलवे एएलपी परीक्षा एएलपी टेक्निक से वालों के लिए बड़ी अपडेट है। वेटिंग लिस्ट यहां पर क्लियर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये वेटिंग लिस्ट की जो क्लियर हुआ है, 8 साल बाद यहाँ पर एक पैनल जारी किया गया है, सप्लीमेंट्री पैनल जारी हो चुका है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बड़ा तोहफा है रेलवे द्वारा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी भर्ती है जो 8 साल बाद पैनल जारी किया है, सप्लीमेंट्री पैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही टेक्निकल हिंदी चैनल आपको रेलवे की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से बताता रहता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं फिलहाल जो हूँ आरआरबी पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एग्जाम रिजल्ट पर, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 20 फरवरी की डेट में एक नोटिस आया था, सप्लीमेंट्री फाइनल रिजल्ट ऑफ सीए नंबर 04/2012 की वैकेंसी है, जिसका सीए नंबर 04/2012 है। आप सभी को पता है लास्ट में जो 2012 है ईयर लिखी जाती है सीए नंबर में, ठीक है। तो 2012 की वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन की, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक सप्लीमेंट्री फाइनल पैनल जारी किया गया है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको इस नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लिया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना। सप्लीमेंट्री फाइनल पैनल ऑफ सीए नंबर 04/2012 20 तारीख की डेट में ये किया गया था। यहाँ पर बोला गया है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड 16/12/2020 में इसका जो है रिटन एग्जाम हुआ था ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर जो पोस्ट बताई गई है टेक्नीशियन की, ग्रेड थर्ड फिटर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल, और ग्रेड थर्ड फिटर डीजल मैकेनिकल, ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक, ग्रेड थर्ड फिटर ब्रिज एंड कैन ड्राइव, ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन, ग्रेड थर्ड बेल्डर, ग्रेड थर्ड कारपेंटर, ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ और आपकी मैसन। कैटेगरी नंबर 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 30, 31 रेस्पेक्टिवली ऑफ सी एन नंबर 04/2020 में ये वैकेंसी निकाली गई थी। और मैं आपको बता दूं, इन कैंडिडेटों का जो वेरिफिकेशन बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 10/12, 9/10/17 से और 3/11/2017 के बीच यहाँ बताया गया है। उसके बाद सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया है फ्रेंड्स, पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 12 के लिए एक कैंडिडेट को लिया गया है। अगर जिसका भी रोल नंबर ये है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो दूसरा कैंडिडेट जो है ग्रेड टेक्नीशियन का है, ग्रेड थर्ड फिटर ब्रिज एंड टेक्नीशियन, ग्रेड थर्ड कैन ड्राइव कैटेगरी नंबर 16 से इनको एक कैंडिडेट को लिया गया है, जिसका भी रोल नंबर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन कैटेगरी नंबर 20, ये 4 रोल नंबर यहाँ दिए हुए हैं, 4 कैंडिडेट अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये 2012 की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी 2014 में निकाली गई थी, फिर 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, अब 2012 की वैकेंसी का यहाँ पर सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया है। 2020 चल रहा है, 8 साल बाद यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र थे उनको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। अगर कोई कहता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में आने से कोई फायदा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया 8 साल बाद, तो ये वेटिंग लिस्ट वालों में से ही छात्रों को सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का भी बहुत महत्व रहता है। और मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 साल बाद कोई तिथि तारीख डेट होती है, लेकिन 8 साल बाद इन्होंने जो है एक सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। कोई कहता है कि वेटिंग लिस्ट जो होती है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड रहती है, कोई कहता है 2 साल के लिए वैलिड रहती है, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो 8 साल तक यहाँ पर वर्क करती रही। और 8 साल बाद एक सप्लीमेंट्री पैनल निकाला गया जिसमें 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, 2018 की वैकेंसी में भी और 2014 की वैकेंसी जो थी आपकी, ठीक है, ये तो 2012 की वैकेंसी लिए गए हैं, 2014 की वैकेंसी थी वो, उसमें भी 5-6 साल बाद भी सप्लीमेंट्री पैनल जारी किए गए थे। और 2018 की वैकेंसी में मैं आपको बता दूं, इसमें भी सप्लीमेंट्री जारी किए जाएंगे जो छात्र वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बने रहिएगा इसी तरह ही। मैं आगे रेलवे की जो भी अपडेट्स आएंगी वो सभी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा।